वेलकम टू योर चैनल डोर। दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल डोर में, और आज हम लोग देखेंगे आपके फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के जो कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, और हम यहाँ पे केवल इम्पोर्टेंट चीज जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है उसको ही आपका डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो हमारा फेसबुक पेज है और जॉब्स एंड नोटिफिकेशन वो है डूअर एकेडमी। तो आप फेसबुक में उसको डूअर एकेडमी या सर्च में आप जाके उसको @ डूअर ऑनलाइन एकेडमी सर्च करके उसको आप लाइक और फॉलो कर सकते हो, और उसमें हम लोग डेली आपके लिए जॉब्स वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपका टेलीग्राम लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको ज्वाइन करने के लिए करना क्या है कि टेलीग्राम चैनल पे आप जाके वहाँ पे सर्च करेंगे @ डूअर एकेडमी, तो चैनल आपको मिल जाएगा और सिंपली उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह फार्मेसी में है तो उनको भी कहिएगा, या आप उनको लिंक सेंड कर सकते हैं, उसके थ्रू वहाँ पे वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि अभी एक कैप्सूल कॉन्सेप्ट्स एंड इनसाइट्स करके एक नया चैनल कुछ लोगों ने स्टार्ट किया है, तो उनका कंटेंट अच्छा है, तो अगर आप वहाँ से भी हेल्प लेना चाहें तो दोस्तों आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं और आप उनको ग्रो करने में वहाँ पे मदद कर सकते हैं। तो अगर आपको कंटेंट उनका अच्छा लगता है तो एक बार जरूर विजिट करें, और उनका भी जो चैनल है जरूर वहाँ पे उनका चैनल देखें, और उनकी क्योंकि वो वहाँ पे एज अ डिटर्मिनेशन वहाँ पे अपना वीडियोस बना रहे हैं और उनकी वहाँ से रिक्वेस्ट भी आई है, तो इसलिए दोस्तों आप एक बार जरूर वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपको उनका कंटेंट जरूर वहाँ पे अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो दोस्तों क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी फेयोल, तो दोस्तों ये जो एग्जामिनेशन में आएगा वो आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जो फेयोल्स के मैनेजमेंट फंक्शन है, 5 मैनेजमेंट फंक्शन है, तो उसमें से कौन सा आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा वहाँ पे उस फेयोल्स का मैनेजमेंट फंक्शन में आता है, या हो सकता है कि वहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन दिया जाए जिसमें इन पांचों में से कोई ना हो और आपसे पूछा जाए एक्सेप्ट के रूप में। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एग्जामिनेशन में हमेशा आपको सतर्क रहना है और एक्सेप्ट को वहाँ पे जरूर पढ़ना है। तो जो क्वेश्चन होता है दोस्तों उसको आप जब पढ़ते हो तो ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि वहाँ पे एक्सेप्ट आ रहा है तो आपको वहाँ पे वो टिक करना है जो आपसे वहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है, तो मतलब कि आपको वहाँ पे पढ़ना जरूरी है। तो एक्सेप्ट में भी आप पूछा जा सकता है और इन पांचों में से वहाँ पे कोई चीज नहीं होगी तो वो आपका राइट आंसर होगा। तो पहला है दोस्तों फोरकास्ट एंड प्लान, सेकेंड है ऑर्गेनाइज, थर्ड है कमांड, फोर्थ है कोऑर्डिनेट और फिफ्थ है कंट्रोल। तो फ्यूल्स के 5 मैनेजमेंट फंक्शन में ये आते हैं आपके 5 मैनेजमेंट फंक्शन। फिर दोस्तों फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें क्या क्या आता है, स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, अथॉरिटी विथ करस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रिम्यूनरेशन ऑफ स्टाफ, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, लाइन ऑफ अथॉरिटी, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव और स्प्रिट डी कॉर्पस। स्प्रिट डी कॉर्पस एग्जामिनेशन में आ चुका है और इसका जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है टीम वर्क या हार्मनी। फिर दोस्तों टाइप्स ऑफ प्लानिंग, तो प्लानिंग के टाइप्स भी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ये जो इसमें टर्म होता है वो कितने ड्यूरेशन का हो सकता है। तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग, और इनका जो नेम है वो आपको सजेस्ट कर देगा वहाँ पे कि एक्चुअली ये प्लानिंग क्या है। तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग और कुछ नहीं दोस्तों कि आप ये है कि आप वहाँ पे कैसे आप स्ट्रेटजी वहाँ पे बनाते हो कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पे सही से काम करे। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, इसके अंदर क्या दिया हुआ है। To ensure that the organization is doing the right thing, addresses what business the organization is in or ought to be in, provides a framework for more detailed planning and day-to-day decision. तो strategic planning होती है दोस्तों कि आप कैसे एक strategy वहाँ पे develop करते हो कि आपकी organization वहाँ पे सही से काम करे, और इसका जो duration होता है ये आपका 5 to 20 years हो सकता है, depending on कि आपका जो organization है वो कितना बड़ा है या यूनिट जो है वो कितनी बड़ी है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो जो इसका टर्म है वो 5 to 20 years, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है यहाँ पे टर्म को यहाँ पे रटना। तो दोस्तों सेकंड है ऑपरेशनल प्लानिंग,
ठीक है। और इसका जो टर्म है शॉर्ट टर्म होता है 1 to 5 years, और ये क्या होता है कि टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिपेयर्ड परफॉर्म द इमीडिएट टास्क एंड ऑब्जेक्टिव्स टू मीट द गोल्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑपरेशनल प्लानिंग मीन्स होता है दोस्तों कि आपको वहाँ पे जो प्लानिंग है वो ऑपरेशनल मतलब कि चलती रहनी चाहिए, ताकि आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो वहाँ पे बंद ना पड़े। तो ऑपरेशनल प्लानिंग होनी चाहिए जो कि सक्सेस की तरफ मूव करती है। फिर बिजनेस प्लानिंग, तो बिजनेस प्लानिंग का टर्म कितना होता है 1 to 5 years, ये होता है टू डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस और प्रोग्राम। तो ये इसलिए प्लानिंग की जाती है ये जानने के लिए कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो वहाँ पे काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग की जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे स्टार्ट करने से पहले। फिर दोस्तों रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग मिड टर्म में होता है 1 to 10 years, टू इंश्योर द रिसोर्स नेसेसरी टू अचीव द गोल्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे आपको क्या क्या रिसोर्स लगने वाले हैं, कि आपके स्टॉक पे चाहिए, तो इन सब की प्लानिंग आपको पहले से करनी पड़ेगी ताकि स्मूथ फंक्शनिंग वहाँ पे होती रहे। फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, तो इसका मिड टर्म, ये भी मिड टर्म होता है 1 to 10 years, और टू इंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइज्ड अप्रोप्रिएटली टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर। तो अगर कोई चैलेंजेस आते हैं फ्यूचर में तो उसको मीट करने के लिए हमने पूरी तरह से वहाँ पर प्लानिंग कर ली है, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। फिर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आ चुका है कंटिंजेंसी प्लानिंग, टू प्रोवाइड अ फॉल बैक ऑप्शन और डायरेक्शन शुड द ओरिजिनल स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फेल और शुड समथिंग अनएक्सपेक्टेड ऑकर। तो जो आपने प्लानिंग की है, हो सकता है दोस्तों वो वहाँ पे सक्सेस ना हो, वो पूरी तरह से फेल हो जाए, तो वो जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अराइज होती है उसके लिए भी एक हमें बैकअप रखना पड़ता है, उसको हम कहते हैं कंटिंजेंसी प्लानिंग। कंटिंजेंसी प्लानिंग कैन ऑकर फॉर अ स्पेसिफिक एंटिसिपेटेड सिचुएशन, द मोस्ट कॉमन ऑफ विच आर बिजनेस रिलेटेड क्राइसिस सच एज लेबर स्ट्राइक। अब जैसे कि आपके लेबर ऑर्गेनाइजेशन में लेबर स्ट्राइक पे चली गई, ये सब क्या है कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अराइज होती है, तो इन सब के लिए भी प्लानिंग हमें रखनी पड़ती है। कि नेचुरल डिजास्टर्स हैं एंड चेंजेस इन मैनेजमेंट पर्सनल, तो ये प्लानिंग आपका शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म होती है, 1 से 20 साल तक का समय वहाँ पे लेती है। फिर दोस्तों क्या क्या बैरियर हैं फॉर इफेक्टिव प्लानिंग, फेलियर टू कमिट सफिशिएंट टाइम टू द प्लानिंग एफर्ट, इंटरपर्सनल इश्यू सच एज स्ट्रगल ओवर पावर और पॉलिटिक्स एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप रेजिस्टेंस टू चेंज, लैक ऑफ प्लानिंग स्किल्स, फेलियर टू प्लान फार एनफ इनटू द फ्यूचर, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरमेंट, फेलियर टू इम्प्लीमेंट ओइंग टू लैक ऑफ टाइम और लैक ऑफ रिसोर्स, फेलियर टू मॉनिटर प्रोग्रेस और लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये सब क्या है कि इफेक्टिव प्लानिंग वहाँ पे इनकी वजह से नहीं वहाँ पे सक्सेसफुल हो पाती है, तो ये बैरियर्स हैं। अब ये दोस्तों ये है इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए, इंटरनेशनल ट्रेड। द इंटरनेशनल ट्रेड बार्टर सिस्टम, इन दिस सिस्टम इफ यू आर अ पॉटर एंड वर इन नीड ऑफ अ प्लम्बर, यू वुड हैव टू लुक फॉर अ प्लम्बर हु वुड बी इन नीड ऑफ पॉट्स एंड यू कुड एक्सचेंज योर पॉट्स फॉर हिज प्लम्बिंग सर्विस। दोस्तों सबसे पहले ट्रेड कैसे स्टार्ट हुआ, जरूरत हमेशा से रही है इंसानों को, तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम आया। कहने वाला दोस्तों कि वहाँ पे अगर आपके पास कोई सामान है और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आपको वो पर्सन ढूंढना पड़ता था जिसके पास वो सामान है और उसको रिक्वायरमेंट है आपके सामान की, तो इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आप एक पॉटर हो और आपको किसी प्लम्बर की ज़रूरत है, ठीक है, तो आपको उस प्लम्बर को ढूंढना पड़ेगा जिसको आपके पॉट्स की ज़रूरत है, ठीक है, तो इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो ये सबसे पहले जो ट्रेड स्टार्ट हुआ हम सबके बीच वो है बार्टर सिस्टम। अभी भी ये देखने को मिलता है दोस्तों, एवरी जनवरी हार्वेस्ट सीजन में जॉन बीन मेला, ये आपका जागी रोड 35 किलोमीटर फ्रॉम गुवाहाटी, ठीक है, ये इंडिया में जो गुवाहाटी है वहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर ये जॉन बीन मेला अब भी लगता है, जहाँ पे बार्टर सिस्टम अब भी देखने को मिलता है। बड़ी सी मार्केट वहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है और बहुत से ट्राइब के पीपल वहाँ पे आके एक दूसरे से सामान का वहाँ पे सौदा करते हैं। तो अब भी ये जो बार्टर सिस्टम है वो आपका इस लोकेशन पे देखने को मिलती है। फिर दोस्तों ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड, कंट्रीज इम्पोज ट्रेड टैक्सेस एंड क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड के समय
जो कंट्रीज थी उन्होंने पहली बार ट्रेड टैक्सेस और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन वहां पे लगाया कि कोई भी ऐसे ही फ्री में किसी से वहां पे ट्रेड नहीं कर सकता है। ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर पीरियड ऑर्गेनाइजेशन लाइक जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड विच लेटर बिकम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग टैरिफ। तो बाद में क्या हुआ कि जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड जिसको हम लोग बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहे, ये सब वहाँ पे उभर के आए जिन्होंने जो टैरिफ लगती थी उनको वहाँ पे कम किया, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड के समय कंट्रीज ने लगा रखी थी वो काफ़ी लगा रखी थी। तो उन सब चीज़ों को देख रेख के लिए यहाँ पे इन सब ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पे निर्माण हुआ। फिर टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो इसके अंडर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले नेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, बायलेटरल ट्रेड और आपका मल्टीलेटरल ट्रेड। दोस्तों बायलेटरल ट्रेड जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है ये टू कंट्रीज के बीच में होता है, मल्टीलेटरल ट्रेड क्या है कि बहुत सी कंट्रीज के बीच में ये ट्रेड होगा। तो बायलेटरल ट्रेड इज डन बाय टू कंट्रीज विद ईच अदर, दे एंटर इनटू एग्रीमेंट टू ट्रेड स्पेसिफाइड कमोडिटीज अमंग देम। फॉर एग्जांपल कंट्री ए मे एग्री टू ट्रेड सम रॉ मटेरियल विद एग्रीमेंट टू परचेज सम अदर स्पेसिफाइड आइटम टू कंट्री बी और वाइस वर्सा। तो बायलेटरल ट्रेड में क्या होता है दोस्तों, दो कंट्री आपस में एग्रीमेंट करके आती हैं कि वो लोग वहाँ पे क्या सौदा करेंगे। मल्टीलेटरल ट्रेड में क्या होता है कि इट टेक्स प्लेस विद मेनी ट्रेडिंग कंट्रीज, सेम कंट्री कैन ट्रेड विद नंबर ऑफ अदर कंट्रीज। तो एक कंट्री बहुत से कंट्रियों पे वहाँ पे लेन देन व्यापार कर सकती है, और हो सकता है कि जो कंट्री किसी से बहुत ज़्यादा व्यापार करती है तो उसको वहाँ पे मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN भी वो अपनी तरफ से उसको नाम दे सकती है एज अ ट्रेडिंग पार्टनर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1948 टू लिबरलाइज द वर्ल्ड फ्रॉम हाई कस्टम टैरिफ एंड वेरियस अदर टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड गैट वॉज फॉर्म। दोस्तों इसका फुल फॉर्म आप वहाँ पे याद कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो 1948 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड में आपका वहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई ट्रेड में, तो 1948 में आपका गैट जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड का अस्तित्व वहाँ पे सामने आया, और उन्होंने क्या किया कि जो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिया गया था उनको वहाँ पे रिड्यूस किया गया आपस में समझौता करा के। इन 1994 इट वाज डिसाइडेड बाय द मेंबर कंट्रीज टू सेट अप अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन फॉर लुकिंग आफ्टर द प्रमोशन ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रेड अमंग नेशन। The GATT was transformed into the World Trade Organization from 1 January 1995. ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि GATT को ही आगे चल के 1 जनवरी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा वहाँ पे दे दिया गया। तो GATT ही है जो कन्वर्ट हुआ आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और ये कब हुआ 1 जनवरी 1995 में। WTO is the only international It set the rules for the global trading system. ये rules बनाती है for the global trading system, और जो disputes होते हैं different nations के बीच में उनको भी resolve करने में सहायता करती है। WTO also covers trading services such as telecommunication and banking and other issues such as intellectual rights. WTO headquarters कहाँ पे located है इसका headquarters? ये है Geneva, Switzerland. दिसंबर 2005 तक इसमें कितनी कंट्रीज शामिल हो चुकी थी, तो 149 कंट्रीज इसमें शामिल हो चुकी थी फॉर ट्रेड। इंडिया भी इसमें से एक तरह का फाउंडर मेंबर था जिसने शुरुआत में इसको ज्वाइन कर लिया था। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, अब क्या हुआ दोस्तों कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होते थे उसका एक समय होता था और उसमें काफ़ी समय भी लग जाता था, लेकिन क्या है कि ज़रूरत इंसानों की हमेशा रही है, तो उनको क्या चाहिए था कि जल्दी जल्दी ये सारे ही वहाँ पे ट्रेड हो सके, आसानी से हो सके। तो इसके लिए उन्होंने वहाँ पे रीजनल, काफ़ी रीजनल ट्रेड्स भी वहाँ पे हुए, तो इनको कहा जाता है रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। तो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैव कम अप इन ऑर्डर टू इंक्रेज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज विद जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी सिमिलरिटी एंड कम्प्लीमेंट्रीज इन ट्रेडिंग आइटम्स एंड टू कर्व रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज़्यादा उभर के आई और इन्होंने आपस में रीजनल ट्रेड करना शुरू कर दिया। टोटल 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स जनरेटेड 52% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। तो 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक उभर के आए जिन्होंने 100% अगर आप देखो टोटल वर्ल्ड ट्रेड का, तो इसमें 52% मोर देन 50% इन्होंने ही ट्रेड वहां पे
शुरू किया। दिस ट्रेडिंग ब्लॉक्स डेवलप्ड एज अ रिस्पांस टू द फेलियर ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन टू स्पीड अप इंट्रा रीजनल ट्रेड। रीजनल ब्लॉक्स अब कौन कौन से हैं ये आपको यहाँ पे याद करने हैं, इनके हेडक्वार्टर आपको याद करने हैं और इनका ओरिजिन, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेंबर नेशंस वहाँ पे आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट है एसियन, तो इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया, और इसमें जो कंट्रीज हैं वो ब्रूनी इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, और इसका ओरिजिन हुआ था अगस्त 1967 में। इसका सेकेंड जो आपका रीजनल ट्रेड वहाँ पे आया वो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसको हम कहते हैं CIS। इसका हेडक्वार्टर है मिंस्क बेलारूस में, और इसमें जो कंट्रीज हैं वो आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। फिर थर्ड है आपका EU, इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट या ओरिजिन हुआ था वो हुआ था आपका फरवरी 1992 में। फिर आता है आपका लेटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LAIA, और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्टेविडियो, यूरुग्वे, और ये आया आपका 1960 में। फिर दोस्तों नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन NAFTA, ये कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं, USA, कनाडा एंड मैक्सिको, ये आया 1994 में। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं OPEC, इसका हेडक्वार्टर है वीना, ऑस्ट्रिया में, और इसमें जो कंट्रीज हैं शामिल है वो है अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, निकेरिया, कतार, सऊदी अरेबिया, UAE एंड वेंजुएला। फिर दोस्तों आपका साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यह है SAFTA, और इसका एस्टेब्लिशमेंट या ओरिजिन हुआ जनवरी 2006 में। तो दोस्तों ये था, ये अभी और कंटिन्यू होंगे, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके सामने ला दिए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि सिलेबस में ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आती हैं। तो किसी भी चीज़ को हमें यहाँ पे छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो आपके प्राइम सब्जेक्ट हैं उसके सिवा भी जो पेरिफेरियल सब्जेक्ट्स हैं तो उसको भी यहाँ पे तैयारी करनी है। और इसका PDF जिन बच्चों ने हमारा स्टडी मटेरियल ले लिया है और वो उससे पढ़ाई कर रहे हैं, ये उनको मिल जाएगा। उनको करना क्या है कि जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953703693, उस पर हमें आप मैसेज करोगे, टेस्ट करोगे और ये PDF वहाँ पे आपको अवेल हो जाएगी। और दोस्तों जो हमारा नया चैनल है डूअर ऑनलाइन क्लासेस, तो उसको आप सर्च कर सकते हो YouTube में डूअर ऑनलाइन क्लासेस, उससे भी जुड़ जाइए। वहाँ पे जो जॉब्स हैं ठीक है उसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पे पोस्ट किया जाता है। तो Facebook पेज में आपको वहाँ पे जॉब नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो सारी चीज़ें आपको डूअर ऑनलाइन क्लासेस मीन्स DOC में आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो हमारा चैनल डूअर के साथ साथ दोस्तों आपके पास डूअर ऑनलाइन क्लासेस भी है, जहाँ पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और कोई भी जॉब वहाँ पे आपसे मिस नहीं होगी। थैंक यू, टेक केयर।